नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजिबैक्ट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एजिबैक्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एजिबैक्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एजिबैक्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिबैक्ट एक ब्रांड नेम है। एजिबैक्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। एजिबैक्ट टैबलेट 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एजिबैक्ट टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। एजिबैक्ट टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एजिबैक्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एजिबैक्ट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, भूख कम लगना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स एजिबैक्ट टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में एजिबैक्ट टैबलेट की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को एजिबैक्ट टैबलेट को लेते समय त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, पैरों में सूजन होना और पेट में दर्द होना आदि लक्षण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिबैक्ट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एजिबैक्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एजिबैक्ट 250 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, या एजिबैक्ट 500 mg टैबलेट को दिन में केवल 1 बार ही लेने की सलाह देते हैं। एजिबैक्ट टैबलेट को डॉक्टर 3 दिन से लेकर 5 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। एजिबैक्ट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एजिबैक्ट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिबैक्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिबैक्ट टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक एजिबैक्ट टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और एजिबैक्ट टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है, इसलिए एजिबैक्ट टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह दी है। एजिबैक्ट टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एजिबैक्ट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। वैसे एजिबैक्ट टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को एजिबैक्ट टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एजिबैक्ट टैबलेट का सेवन करना
रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एजबैक टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एजबैक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।